नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी को बड़ा झटका दिया था। अपर्णा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। अब अपर्णा ने एक इंटरव्यू में भी एक बातचीत की थी तो उसमें भी बताया कि शामिल होने के बाद उन्हें क्या आशीर्वाद मिला था। इससे पहले आपको बता दें कि अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के साथ एक खास बॉन्ड रखती हैं। अपर्णा यादव ने चाहे समाजवादी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था, बीजेपी शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके ससुर जो कि मुलायम सिंह यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनके इस निर्णय को स्वीकारा और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। साथ ही कहा, अपर्णा यादव ने बताया कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पारिवारिक बातचीत हुई, सबने साथ खाना खाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा, खुश रहो बेटा। इतना ही नहीं, अपर्णा ने कहा, जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्स भी दिए। बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा, आनंद लो, हम इस बारे में बात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात कर अपर्णा यादव ने कहा, कुछ मुद्दों पर बात हुई, इसे मैं यहाँ नहीं बता सकती, वे मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी है। तो वहीं से हम समझ सकते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग अपर्णा यादव और साथ ही उनके ससुर मुलायम सिंह यादव रखते हैं, जहां उनके इस तरह के निर्णय को भी सपोर्ट करते हैं। और इसी बीच हमने आपको बताया था कि अपर्णा यादव अपनी सास के साथ किस तरह का बॉन्ड रखती है, बिल्कुल इसी तरीके से अपर्णा यादव का बॉन्ड उनके ससुर के साथ दिखता है और उनके हर निर्णय में उनको सपोर्ट किया जाता है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।